हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 61। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, जो कि मैंने आपको सेट नंबर 59 में, मिनी मॉक सेट नंबर 59 में करने के लिए दिया था। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, हम जानते थे कि आपके पास एक 3x5 की मैट्रिक्स थी, जिसमें से आपके पास जो रोज है उसको हमने किससे करा था, डॉलर एंड और परसेंटेज, ठीक है। और जो आपके पास कॉलम्स थे वो किससे डिनोट थे, एम एन ओ एस एन टी से, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास डॉलर वाली रो थी वो किससे स्टार्ट थी, 28 से स्टार्ट थी, ठीक है। और 7 के मल्टीपल में मतलब क्या, 28, 35, 42, 49 एंड देन 56, ठीक है। जो आपके पास एंड वाली रो थी वो 11 के मल्टीपल में थी और 11 से स्टार्ट थी, तो 11, 22, 33, 44, 55। उसके बाद जो परसेंटेज वाली रो है वो किससे स्टार्ट थी, 13 से, और 13 के ही मल्टीपल में थी, तो 13, 26, 39, 52 एंड देन 65, ठीक है। अब देखिए उसने हमें क्या करना था, हमें इस सिग्नल को डिकोड करना था और देखना था कि कौन सा वाला बल्ब आपके पास ब्लिंक करेगा। तो यहाँ से देखिए उसने क्या दिया है, परसेंटेज ओ, परसेंटेज ओ मतलब यहाँ पर आपके पास 39, ओके। उसके बाद एंड एस, एंड एस 44, ओके। उसके बाद परसेंटेज एम, परसेंटेज एम मतलब 13, ओके। उसके बाद परसेंटेज टी, परसेंटेज टी मतलब 65, ठीक है। ये ना अगर मैं यहाँ पर आपसे आउटकम्स की कंडीशंस की पढ़ता हूँ, तो उसने क्या बोला था कि अगर आपके सारे के सारे स्ट्रिंग्स इवन है ये यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद उसने बोला कि अगर ऑड नंबर फॉलो हो रहा है किससे, एक इवन नंबर से, इन दैट केस जो वंस प्लेस है सारे टू डिजिट नंबर की वो डिलीट हो जाएंगी और जो टेंस प्लेस है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर ये वाला आपके पास क्या कंडीशन लगेगी ना। तो अगर मैं वंस प्लेसेस को हटाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 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 बच्चा क्या आपके पास 3x4x1x6 ना, तो ये कितना हो गया आपके पास 12 और 6, मतलब हो गया 72, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखिए बिलो 65 है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ब्लिंक करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको सेट नंबर 60 में करने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या है उसने बोला कि वेयर इज एम विद रिस्पेक्ट टू एल, ओके। एम की पोजीशन क्या है एल के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट से क्या गिवन है, उसने बोला कि टू वर्कमैन एल एंड एम स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके। एल और एम स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से चलना, ओके। L walks 25 meters east, L जाता है 25 meters east, ओके। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड walks 15 meters, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 15 जाता है, ठीक है। इन द मीन वाइल M walks 18 south, ओके, 18 south जाता है, देन टर्न राइट, यहाँ से राइट टर्न लेता है और 17 जाता है, ठीक है। देन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 33, ओके। यहाँ से क्या करता है वो 33 जाता है, अच्छा ये आपके पास 18 है, फाइन। उसके बाद यहाँ से वो 13 जाता है, 33, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से बता सकता हूँ ना क्या कि M आपके पास कहाँ है L के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट से तो हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड से अगर मैं देखूँ तो उसने बोला कि टू वर्कर्स L और M स्टार्ट फ्रॉम 2.20 मीटर्स अपार्ट, ओके। L और M है जो कि 20 मीटर्स अपार्ट हैं, फाइन। उसने हमें कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिए, बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम ये मान लेते हैं, देखते हैं आगे कोई आपके पास कंडीशन दी हो उसने। तो उसने हमसे क्या बोला कि वॉक्स 25 मीटर्स साउथ, 25 मीटर्स साउथ जाता है, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर 15 जाता है, ओके। इन द मीन वाइल M वॉक्स 18 साउथ, एम जाता है 18 साउथ, ओके। उसके बाद देन टर्न्स राइट, वो क्या करता है राइट टर्न लेता है, ओके, राइट टर्न लेता है और 17 जाता है, फाइन, ठीक है। देन टर्न्स नॉर्थ और 20 जाता है, नॉर्थ लेकर 20 जाता है, ओके, यहाँ पर पहुँचेगा एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपसे और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है ना, स्टार्टिंग में एल और एम के बीच में उसने ना मैं कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं दिया किस डायरेक्शंस में। यहाँ से अभी मैंने ये इसको इस तरीके से माना तब हमारे पास क्या ये डायग्राम बन रहा है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एल को यहाँ ले लेता, एम को यहाँ ले लेता,
इन दैट केस आपके पास डायग्राम कुछ और ही बनता ना, तब भी आप इनके बीच में कोई एक रिलेशन अलग से निकाल पाते। आपके पास यहाँ पर कई पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना, इसलिए सेकंड से आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? देखिए, उसने बोला है कि पी क्यू आर एस टी फिनिश द वर्क वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, उसके बाद वन ऑफ द डे बींग अ हॉलीडे। ओके, उसने बोला कि पी क्यू आर एस टी क्या करते हैं, वो काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग दिन काम करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे, जिनमें से एक दिन आपके पास क्या है वो वैकेंट है, मतलब क्या हॉलीडे है। उसने बोला कि ईच वर्किंग ओवर टाइम ओनली ऑन द वन डे। ओके, और इन सब में से एक क्या है वो ओवर टाइम काम करता है किसी न किसी एक दिन, हमें ये बताना है कि टी किस दिन ओवर टाइम करता है। तो देखिए, आपके पास फर्स्ट से क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है सबसे पहले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आप देखिए, उसने बोला कि द ओवर टाइम वर्क डन ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द हॉलीडे वॉज बाय आर। अच्छा, हॉलीडे से पहले जिसने ओवर टाइम करा वो है आर, और उसके बाद क्यू वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडे। ओके, और क्यू करता है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सिर्फ इधर से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट से नहीं कर सकता हूँ, सेकंड से देखता हूँ। तो उसने बोला देयर वॉज अ 2 डेज गैप बिटवीन द डे ऑन विच पी एंड क्यू वर्कड ओवर टाइम। ओके, पी और क्यू के बीच में 2 दिन का गैप है, ठीक है। उसके बाद पी वर्कड ओवर टाइम द नेक्स्ट डे ऑफ द ओवर टाइम डे ऑफ एस। अच्छा, पी कब काम करता है, पी काम करता है एस के बाद, मतलब क्या ये होगा, ठीक है। उसके बाद आर एंड टी डिड नॉट वर्कड ओवर टाइम ऑन द फर्स्ट डे। ओके, और आर और टी फर्स्ट डे ओवर टाइम नहीं करते, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करने जाऊँ। तो देखिए, एक चीज़ हमें बताई गई थी क्या कि 2 दिन का गैप है पी और क्यू के बीच में, फाइन। यहाँ पर क्यू ऊपर भी हो सकता है, पी नीचे भी हो सकता है, इन दैट केस एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसने हमसे क्या बोला कि आपके आर और टी यहाँ पर नहीं है, फाइन। सिर्फ अगर इससे देखना चाहूँ तो आप इसको भी पुट कर सकते हैं और आप इसको भी पुट कर सकते हैं कहीं भी, है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हम कन्फर्म तो कुछ बता नहीं सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं फर्स्ट वाले को इसमें ऐड कर देता हूँ, इन दैट केस देखिए क्या होगा, होलीडे के बाद वाला आपका क्यू है, ये चीज़ कन्फर्म है, होलीडे के इमिडिएटली पहले वाला आर है, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को पुट करना चाहता हूँ, तो देखिए आपके पास अगर मैं इस वाली कंडीशन को पुट करता हूँ, इन दैट केस ऊपर यहाँ पर आपके पास पी आ जाएगा, उसके ऊपर एस आ जाएगा, फाइन। इसको अगर मैं पुट करना चाहता हूँ तो कहाँ पर पुट कर पाऊँगा, एस आपके पास यहाँ भी आ सकता है, एस आपके पास यहाँ भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट को और इसको जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखिए क्यू डैश एस पी। अब अगर मैं पुट करना चाहूँ इसको, देखिए आपके पास यहाँ पर हॉलीडे आएगा ना, और उसके ऊपर क्या आएगा, आपके पास आर आएगा। तो अगर यहाँ से देखूँ ना, आप देखिए आर को यहाँ पर कभी भी पुट नहीं करा सकते ना, इसका मतलब क्या है, ये तो आपके पास कभी भी कंडीशन नहीं बन सकती है। लेकिन इस कंडीशन की क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो एस को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, एस को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों को अगर मैं पुट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर इसके हिसाब से एस आएगा यहाँ पर, सॉरी पी आएगा यहाँ पर, आर आएगा यहाँ पर, हॉलीडे एंड देन क्यू। अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास पी आएगा यहाँ पर, आर आएगा यहाँ पर, हॉलीडे यहाँ पर एंड देन क्यू। फिर अगर मैं टी को पुट करने जाऊँ तो टी आपके पास यहाँ पर आता, लेकिन ये वाली कंडीशन आपके पास गलत हो जाती है क्योंकि ऊपर आपके पास टी हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है ये, और टी आएगा आपका सैटरडे पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट उसने हमसे क्या बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अलोंग अ सर्किल फेसिंग द सेंटर एंड प्लेइंग द कार्ड्स। ओके, हु आर द नेबर्स ऑफ बी। ओके, बी का नेबर कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहले से देखिए उसने हमें क्या बताया, टोटल मेंबर्स कितने आपके पास, 7 है ना। ओके, ई इज नेबर ऑफ ए एंड डी। ओके, ई क्या है, नेबर है ए और डी का, फाइन। उसके बाद सेकंड में, मतलब फर्स्ट से तो पता नहीं चेक कर सकते हम, सेकंड में अगर देखें तो एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। एफ कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ ए। ओके, जी इज नॉट बिटवीन एफ एन सी। अच्छा, अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर डी, तो हो सकता है कि आपके पास सी यहाँ पर हो, इन दैट केस आपके पास जी इनमें से कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके पास
अगर सी यहाँ पर हो, इन दैट केस जी यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब क्या कुछ कन्फर्म नहीं है ना कि आपके पास यहाँ पर आप जी को कहाँ पर पुट कर पाएंगे, बिकॉज आप सी का कुछ कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट और सेकेंड से भी इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल एपिटोम आर सी एंड देन सम सी इज एल। ओके, कुछ सी क्या है, वो लेयर्स हैं। नो लेयर इज ट्री, कोई भी लेयर ट्री नहीं है। ऑल ट्री आर जंगल, सारे के सारे ट्री क्या है, वो जंगल्स हैं। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, देखिए, सम ई आर एल। ओके, कुछ ई क्या है, वो एल है, नहीं, इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। सम सी इज नॉट टी, कुछ सी टी नहीं है, तो यहाँ से देखो, हाँ, ये चीज़ कंफर्म है, ये वाला जो आपके पास पार्ट है ना, वो कभी भी आपका टी नहीं हो सकता, इसलिए ये ट्रू है। उसके बाद ऑल ई बीइंग जे इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ई का जे होना पॉसिबिलिटी, हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट उसने बोला कि सम एम आर एफ, कुछ एम क्या है, वो एफ है, एंड ऑल एफ आर टी, ऑल एफ आर टी, नो टी इज ई, सम ई आर एस। उसके बाद ऑल एम बींग ई इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे एम का ई होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये वाला कभी भी पार्ट आपके पास ई नहीं हो सकता, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। नो एफ इज ई, कोई भी एफ ई नहीं है, हाँ, ये चीज़ ट्रू है। उसके बाद सम एम इज टी, ओके, कुछ एम क्या है, वो आपके पास टी है, ये भी चीज़ ट्रू है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों फॉलो करेंगे। फाइन, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।